नीरज, यूं तो मुंबई शहर कभी भी किसी के लिए भी नहीं रुकता है, मगर एक बार फिर बारिश ने मायानगरी को बिल्कुल ठप कर दिया है। सड़कें एकदम नदियां बन चुकी हैं और शहर की जो लाइफलाइन है, जिसको लोकल ट्रेन कहते हैं, वो भी बंद है। बिल्कुल अविरल, अगर सिर्फ बारिश होती तो भी हालात संभल जाते, लेकिन यहाँ तो हाई टाइड और बारिश एक साथ हैं, यानी समंदर का पानी और आसमान का पानी दोनों ने मिलकर मुंबई शहर को पानी पानी कर दिया है। अंधेरी, कुर्ला, हिंदमाता, लोअर परेल, दादर जैसे जो लो लाइन एरिया हैं, वहां तो घरों में पानी घुस गया है। बिल्कुल नीरज, और अगर हम आज की तस्वीरें देखें तो एकदम 26 जुलाई 2005 की याद आ रही है, जिस टाइम काफी लोगों की जान भी गई थी और काफी लोग कई कई दिनों तक अपने घर नहीं लौटे थे। तो दोस्तों, अगर आप मुंबई में हैं तो अपना ख्याल रखें, अगर कहीं फंस गए हैं तो 100 नंबर पर पुलिस को डायल करें। पुलिस और सरकार ने ये भरोसा दिलाया है कि वो आपकी मदद के लिए पहुंचने की कोशिश करेंगे। ये नॉर्थ कोरिया है नीरज, जो मानता ही नहीं है। सारे प्रेशर, सारे रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद उन्होंने एक और मिसाइल टेस्ट कर दी, जो कि नॉर्थ पैसिफिक ओशन में जाके गिरी है। ये जो नॉर्थ कोरिया सुप्रीमो किम जोंग उन है ना, गजब खुराफाती हैं। पिछले दिनों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें सुधरने की नसीहत दी थी, लेकिन इसके बावजूद अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। अब अगर इस पे कोई फैसला ले सकता है तो वो सिर्फ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है। लेकिन किम जोंग का पुराना रिकॉर्ड देखते हुए कतई नहीं लगता कि वो अपनी हरकतों से सुधरने वाले। नीरज, वेंट टू एलिफेंट्स फाइट, द ग्रास इज द ओनली सफरर, यानी जब दो हाथी लड़ाई करते हैं तो नुकसान सिर्फ घास का ही होता है। जी हाँ, बिल्कुल, ये बात लागू होती है भूटान में डोकलाम के आसपास रहने वाले लोगों पर। पिछले 2-2.5 महीने से तो अविरल जैसे ये लोग सांस रोक कर जी रहे थे। बिल्कुल, और अब जाकर उन्होंने राहत की सांस ली है जब ये खबर आई कि भारत और चीन ने अपने डिफरेंसेस सुलझा लिए हैं। इनफैक्ट क्विंट की निष्ठा गौतम उसी इलाके में है। निष्ठा ने डोकलाम से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर हा नाम के एक छोटे से खूबसूरत से शहर का दौरा किया, भारत और भारतीय सेना के बारे में लोगों से बात की और उनकी समस्याओं को जाना। और हमारी एक्सक्लूसिव कवरेज आप देख सकते हैं क्विंट हिंदी की वेबसाइट पे, तो लॉग इन कीजिए। हम आपको ये भी बता दें कि अगले हफ्ते ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वैसे चीन जा रहे हैं। लगातार हो रहे रेल हादसों की कड़ी में इस बार नागपुर मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। हालांकि इस रेल एक्सीडेंट में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन ये पिछले 10 दिनों में तीसरा रेल हादसा है और इसने एक बार फिर हमारी रेल सुरक्षा व्यवस्था को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। पहरेदार पिया की, सोनी चैनल का ये कंट्रोवर्शियल शो अब ऑफ एयर हो गया है। 18 साल की लड़की और 9 साल के लड़के के बीच अजीबोगरीब प्रेम कहानी के खिलाफ काफी कंप्लेंट्स जा चुकी थी आईएमबी मिनिस्ट्री के पास। अब चैनल ने खुद ही कंफर्म किया है कि ये शो अब नहीं चलेगा। खुद को संत बताने वाले रामपाल को हरियाणा की हिसार कोर्ट ने 2 मामलों में बरी कर दिया है। रामपाल पर सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने और बंदी बनाकर लोगों को हिंसा के लिए उकसाने का आरोप था। हालांकि देशद्रोह जैसे कई दूसरे मुकदमों की सुनवाई के चलते अभी रामपाल को जेल में ही रहना होगा।